ब्रिज रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं नींबू का खट्टा मीठा अचार बनाने वाली हूँ और ये खट्टा मीठा अचार बहुत ही टेस्टी और यम्मी लगता है। तो नींबू का अचार के लिए मैंने लिया है आधा केजी कागजी नींबू, जो पीस में 12 से 13 पीस है और इसके छिलके पतले होते हैं और बिल्कुल ये चिकना है। इस तरह से लेना है, एकदम बिल्कुल दाग वाग नहीं रहना चाहिए नींबू में। इस तरह का हम नींबू लेंगे और इसमें हरे नींबू जो रहते हैं, इस तरह से हरे नींबू उसका यूज़ नहीं करेंगे, इसे हटा देंगे। अगर इसे डालेंगे तो ये बहुत कड़वा लगेगा, इसलिए हम कागजी नींबू पीले रंग का होना चाहिए और बिल्कुल दाग नहीं होना चाहिए, वैसा हम लेंगे। अब नींबू को हम काट लेते हैं। नींबू का हम 8 टुकड़े बनाएंगे। एक नींबू का हम 8 टुकड़ा लिए हैं, चाहे तो हम एक नींबू का 4 टुकड़ा भी ले सकते हैं। पीस को हम बड़ा या छोटा अपने पसंद के अनुसार कर सकते हैं। तो ये 8 टुकड़ा हो गया है नींबू का और इसके हम बीज निकाल लेते हैं। इस तरह से बीज निकाल लिए हैं और हमारे सारे नींबू कट चुके हैं और अब हम इसे एक बाउल में डाल देंगे और इसमें हम नमक यूज़ करेंगे। नमक हम 2.5 चम्मच यूज़ किए हैं। नमक डालने से ये गल जाएगा, इसलिए हम नमक डालेंगे और 1 चम्मच हल्दी डाल देंगे। इसमें तेल का यूज़ बिल्कुल नहीं हुआ है, नमक और हल्दी डालने से ये गल जाएगा। और 2 नींबू का जूस हम अलग से निकाल कर इसमें डाल दिए हैं और इसे 8 से 10 दिन तक इस तरह से ढककर छोड़ देंगे ताकि नींबू गल जाए। और 8-10 दिन के बाद नींबू बहुत ही अच्छा से गल चुका है, इस तरह से कट जाना चाहिए, तभी हम इसमें चीनी या गुड़ का यूज़ करेंगे। हम पहले चीनी नहीं मिलाएंगे, जब नींबू गल जाए इस तरह से कटने लगे तब हम सारे मसाले इसमें हम डाल देंगे। 1 चम्मच लाल मिर्च डाल दिए हैं और 1/2 छोटा चम्मच इसमें काली मिर्च डाल दिए हैं और 1/2 चम्मच इसमें हम काला नमक डाल दिए हैं और 400 ग्राम हम इसमें चीनी डाले हैं। चीनी की जगह हम गुड़ का भी यूज कर सकते हैं और इस तरह से हम मिला लिए हैं और इसे एक कांच के बॉटल में भर लेंगे और ये 10 से 15 दिन में ये चीनी मेल्ट हो जाएगा, अच्छा से इसमें जूस छोड़ देगा। 10 से 15 दिन के बाद इस तरह से कितना जूसी हो गया है खट्टा मीठा नींबू का अचार, बहुत ही अच्छा बना है। और गलने के बाद ही हम इसमें चीनी का यूज़ करेंगे और ये पराठा पूरी के साथ बहुत ही यमी लगता है और बहुत दिन तक हम इसे रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगा। तो आज का नींबू का खट्टा मीठा अचार की रेसिपी आपको कैसी लगी, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।